हेलो एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं ई टैप ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने अर्थक्वेक स्टैटिक एनालिसिस का एक एग्जांपल किया था और एक और एग्जांपल मैं करना चाहता हूँ इस पर। तो मैंने गूगल पे टाइप किया अर्थक्वेक स्टैटिक एनालिसिस एग्जाम्पल, तो एक तो ये देखिए IIT कानपुर का आया है और एक ही अर्थक्वेक लेटरल फोर्स एनालिसिस, एक ये PDF आई है। तो ये कोई SGI SG इंस्टीट्यूट.in यहाँ से डाउनलोड किया, फिर मैंने साइट को देखा तो ये संजय गोदावर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, ये PDF मिली मुझे। तो वो PDF है ये, इसमें एक स्टेप्स दिए हुए हैं मैनुअली स्टैटिक एनालिसिस के और एक प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है इन्होंने। अपना जो भी इसके ऑथर हैं जिन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किया, पर नाम नहीं दिया, बट अगर नाम दिया होता तो उन्होंने क्रेडिट जरूर देता, पर थैंक यू बोलता हूँ मैं उनको कि उन्होंने PDF अपलोड किया एक मैनुअली कैलकुलेशन स्टैटिक के लिए, और मैं इस यूनिवर्सिटी को भी थैंक यू कहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें एक प्रॉब्लम है, ये एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें डाटा दिया हुआ है सारा और उसका प्लान एलिवेशन दिया हुआ है, फिर मैनुअली एनालिसिस किया हुआ है, और मैंने भी ये ट्राई करके नहीं देखा है। तो लाइव हम ये ट्राई करके देखूंगा, हमें हो सकता है रिजल्ट मैच ना हो, पर अगर हमें सही से ई टैप आता है तो रिजल्ट जरूर मैच हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें तो एक ग्रिड डिफाइन करनी होती है। तो देखिए प्लान है, इस प्लान में कितने आपके स्पैन है, 1 2 3, और यहाँ पर भी 3 स्पैन है, 7.5 7.5 मीटर के, यानी कि एक्स में कितनी लाइन चाहिए, 4, और इसी तरह हमें वाई में भी 4 लाइन चाहिए, और स्पेसिंग सबकी सेम है 7.5। नंबर ऑफ फ्लोर कितने, 1 2 3 4, इसको भी फ्लोर काउंट करना होगा, और ईच फ्लोर कितने का है आपका, 3 मीटर हाइट, टोटल कितनी हो गई, 12 मीटर। तो एक ग्रिड हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। साढ़े सात मीटर के स्पेन है और 4 स्टोरे है, 3 मीटर ईच, ठीक है। जितने आपकी ये न्यू मॉडल ओपन हो उतने फिर डिस्कस कर लेते हैं। तो पैरामीटर क्या क्या दिए हैं, नंबर ऑफ स्टोरे 4, जॉन 3 है, लाइव लोड 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, कॉलम का साइज भी गिवन है, बीम का साइज, स्लैब की थिकनेस ऑफ वॉल, इंपॉर्टेंस फैक्टर, OMRF बिल्डिंग डिटरमाइन डिजाइन, सीज़मिक लेटर लोड एंड स्टोरेज शियर फोर्स। ये कह रहा है कि डिजाइन लेटर फोर्स भी कैलकुलेट करो और हर स्टोर पर कितना शियर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो भी कैलकुलेट करो। तो ठीक है, हम दोनों चीजें करेंगे। ये आई थिंक हैंग हो चुका है। ओके, थोड़ा सा इसको हम रीड कर लेते हैं। इतने स्टार्ट, देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है, गिवन है कि जो कंक्रीट की डेंसिटी है वो 25 लीवी है और जो मैसनरी डिफाइन करेंगे उसकी डेंसिटी 22.5 है। ओके, ठीक है। इसने क्या किया, ये ईच फ्लोर का लोड निकाला हुआ है। जब हम मैनुअली करते हैं तो हमें हर फ्लोर में का कितना वेट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले भी कि पेंट से बताता हूँ, इससे ड्रॉ सही नहीं होता। ये आ चुका है, लेकिन मैं उससे पहले एक चीज समझाना चाहता हूं आपको। जैसे कि ये आपकी कोई बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग बना लेते हैं पहले। देखिए आप पेंट से बहुत कुछ कर सकते हैं, पेंट का ट्यूटोरियल भी डालूंगा मैं। ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, और ये इसका बेस है। तो अर्थक्वेक कैसे एनालाइज करता है बिल्डिंग को, देखिए अर्थक्वेक ऐसे मानता है बिल्डिंग को, ये है हो गया मास 1 मास 2 मास 3, लम्ड मास थ्योरी कहते हैं इसे हम, ठीक है।
ठीक है, ये बिल्डिंग है, इसको बिल्डिंग को मैथमेटिकली मॉडल इसका बिल्डिंग का ये होता है, यानी कि जब हमारा ये फोर्स लेटरल फोर्स आएगा तो बिल्डिंग ऐसे रिएक्ट करेंगे, यानी कि आपको मैं कहने का मतलब है कि ये जो जितना भी फोर्स है यहाँ से यहाँ तक का, ये इतना फोर्स ये कहाँ कंसंट्रेट हो जाएगा, यहाँ पे, और ये इतना फोर्स कहाँ कंसंट्रेट हो जाएगा, यहाँ पे, और इतने एलिमेंट्स का फोर्स यहाँ पे, और इतने एलिमेंट्स का फोर्स यहाँ पे। तो ये M1, M2, M3 और M4 आप देख रहे हैं कि इसमें जो है तो रूफ पे केवल एलिमेंट्स कम आ रहे हैं, आधा कॉलम और स्लैब और बीम ये आ रहे हैं, तो रूफ पे लोड कम होगा और यहाँ पे लोड सब में इक्वल होगा अगर सिमेट्रिक बिल्डिंग है, सिमेट्रिक लोड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ग्रिड डिफाइन करनी थी हमें, तो मैट हमने इंडियन यूनिट ले ली है, तो हमारे स्पैन कितने थे, नंबर ऑफ स्पैन है हमारे 3, तो लाइन कितनी होगी 4, तो 4 4 है और ईच स्पेसिंग 7.5 7.5, नंबर ऑफ स्टोरेज 4, ईच स्पेसिंग 3 3, ठीक है, ओके। तो ग्रिड हमारी डिफाइन हो चुकी है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मटेरियल डिफाइन करना। तो मटेरियल क्या है हमारे पास, एक है हमारे पास कंक्रीट 25 का और एक है हमारे पास मैसनरी 22.5 डेंसिटी का। लेकिन उन्होंने डेंसिटी दी है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, बट इन्होंने नहीं दिया हुआ है ग्रेड कंक्रीट का, क्योंकि हमें ग्रेड से कोई लेना नहीं है, तो हम कोई भी ग्रेड ले लेते हैं, ग्रेड काम आता है आपका डिजाइन में ना कि एनालिसिस में, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले डिफाइन किया हमने एक मटेरियल, एड न्यू इंडियन कंक्रीट M30 ले लेते हैं और इसको डाल देते हैं, M30 रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए यूनिट वेट कितना लेना है, 25 अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ओके कर दिया, ये आ गया। एक और मटेरियल डिफाइन करना है, इंडियन मैशनरी, ओके, और इसका वेट कितना लेना है, 22.5 अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये मैशनरी आ गया, ओके कर दिया। तो मटेरियल डिफाइन हो चुका, अब डिफाइन करना है कॉलम बीम और अपनी स्लैब्स, ठीक है। सबसे पहले कॉलम बनाते हैं 450 बाय 450 का, डिफाइन सेक्ट डिफाइन सेक्शन फ्रेम एड न्यू रेक्टेंगुलर। एक सेकेंड, एक चीज और देखनी चाहिए हमें कि साइज तो दिया हुआ है 450, अच्छा रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मटेरियल M30, इसको नाम दे देते हैं कॉलम, कॉलम 450 450, और यहां पर भी डाल देते हैं 450। मैं साइज इसलिए देख रहा था कॉलम का कि अगर स्क्वायर नहीं है तो फिर उसका ओरिएंटेशन हमें देखना होता है अकॉर्डिंग टू द प्लान। ये कॉलम डिफाइन हो गया, अब एक बीम डिफाइन कर लेते हैं, रेक्टेंगल, बीम का साइज है आपका 250 बाय 400, जो ज्यादा चीज हो ज्यादा होती है वो डेप्थ होती है, ठीक है, 250 बाय 450। तो बीम 250 बाय 450, कंक्रीट M30 और डेप्थ हो गई 450, ये हो गया आपका 250, ओके, आपका बीम भी डिफाइन हो गया। अब डिफाइन करते हैं हम स्लैब, डिफाइन सेक्शन स्लैब, स्लैब कितने लिए इन्होंने, 150 mm, 120 mm, सॉरी 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 150 mm, एड न्यू 150 mm, वही कंक्रीट M30 और यहाँ पे थिकनेस 150 mm, ओके कर देते हैं, स्लैब भी हमारी डिफाइन हो गई, ठीक है। अब ड्रॉ कर लेते हैं, तो बीम हमने लिया है यहाँ पे ऑल स्टोर है और बीम का अपना जो सेक्शन डिफाइन किया है वो ले लेते हैं, बीम
और यहाँ ड्रैग कर देते हैं। इसी तरह कॉलम और ड्रैग कर देते हैं, और उसके बाद स्लैब 150 यहाँ बेस पे जो स्लैब बन गई है ये वाली, इसको डिलीट करना होगा। तो मैंने वन स्टोर किया और मैं गया प्लान बेस, नॉर्मल कर्सर मार लेते हैं इससे, और मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। तो सपोर्ट यहाँ पे हमें लगानी है फिक्स, असाइन जॉइंट रिस्ट्रेन फिक्स। ठीक है, ये हमारा हो चुका मॉडल तैयार। अब आगे चलते हैं इसमें। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस डाटा के बाद आगे चलते हैं क्या किया इन्होंने। हाँ, इन्होंने जो स्लैब ली है उसका साइज 150 mm है और जो उसकी डेंसिटी कंक्रीट की 25 है। तो ये जो इन्होंने मैनुअली किया है तो हमारा ऑटोमेटिक लग गया, क्योंकि ई टैप तो सेल्फ फिट ऑटोमेटिक ला देता है। तो हमारी जो स्लैब का साइज है वो 22.5 × 22.5 है। तो आपने देखा ही होगा कैसे, देखिए ये टोटल है हमारा 22.5, ये टोटल है 22.5। ठीक है, ये तो एरिया हो गया, थिकनेस हो गई 150 mm इंटू डेंसिटी, तो उसका लोड निकल जाता है। तो ऐसे इसने निकाला होगा, देखिए एरिया थिकनेस डेंसिटी, तो लोड आ गया हमारा, ये ठीक हो गया हमारा। अब बीम, बीम का साइज है 250 × 400 × डेंसिटी, तो लोड निकल गया हमारा यूडीएल की फॉर्म में, उसे इसने निकाला है किलो न्यूटन पे। टोटल नंबर ऑफ बीम कितने हैं हमारे एक फ्लोर पे, 22.5 लेंथ है एक फ्लोर पे। ये देखो एक फ्लोर पे जो बीम की लेंथ है ये है ना बीम, तो टोटल बीम एक फ्लोर पे कितनी लेंथ है 22.5, और एक 22.5 कितने बीम है 1 2 3 4 1 2 3 4 8। तो देखिए स्लैब का तो हो चुका था आपका, समझ में आ गया। बीम का देखिए, ये समझ में आ गया, यूडीएल की फॉर्म में लोड निकाल लिया, कितने बीम का, एक बीम का। ठीक है, अब टोटल लेंथ कितनी है हमारी 180। तो यहाँ देखिए बीम का सेल्फ वेट निकाला है इसने, 22.5 क्या है यूडीएल इंटू एक बीम की लेंथ कितनी है 22.5। ठीक है, और कितने बीम है हमारे 8, जो मैंने अभी बताया था फोर। तो टोटल बीम का लोड निकल गया। तो एक फ्लोर पे स्लैब का कितना लोड है सेल्फ वेट, बीम का कितना लोड है वो निकल गया, और कॉलम का भी इसी तरह से निकाल लिया इसने। देखिए कॉलम का साइज ये है इनटू डेंसिटी, तो यूडीएल की फॉर्म में आ गया कॉलम का लोड। अब क्या किया, 16 कॉलम है तो 16 से इसने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, डेड लोड सेल्फ वेट ऑफ कॉलम 16 कॉलम है। देखें कितने कॉलम है, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 × 4 16। ठीक है, ओके। तो इसने क्या किया है, 16 कॉलम, ठीक है, ये कॉलम नंबर ऑफ कॉलम, ये लोड, ये लेंथ कॉलम के, 3 मीटर का एक कॉलम है एक फ्लोर का। ठीक है, अब ये कह रहा है कि वॉल की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये सब एक फ्लोर पे आ रहे हैं, एक फ्लोर पे कॉलम, एक फ्लोर पे बीम, एक फ्लोर पे स्लैब, अब एक फ्लोर पे वॉल। तो इसने क्या किया है, देखिए इसने क्या है कि वॉल जो लगाई है इसने, वॉल तो हमने डेंसिटी है 22.5 डिफाइन कर दी है। ठीक है, इसने वॉल का 1.2 क्या है, आपका 0.12 थिकनेस है, ये वॉल की हाइट है भाई, जितनी फ्लोर की हाइट उतनी वॉल की हाइट होगी। कैसे, एक बार ये भी देख लेते हैं। अगर मैं इसका एलिवेशन लूं तो एक वॉल की हाइट ये इतनी तो होगी, यहीं तो वॉल बनेगी भाई, यहाँ पे तो वॉल बनेगी आपकी इस एरिया में, तो 3 मीटर है तो वॉल की हाइट 3 मीटर हो गई। ठीक है, तो वॉल की थिकनेस, वॉल की हाइट, वॉल की डेंसिटी मैसनरी की इन्होंने लिए 20 थिकनेस हो गई 120 mm, देखें ऊपर गिवन है, हाँ 120 mm थिकनेस है। ठीक है, तो इसने ये क्या लिया है,
सेल्फेट ऑफ द वॉल 120 थिकनेस, वॉल की हाइट इतना हो गया। वॉल का लोड हम कैसे निकालते हैं, वॉल की हाइट थिकनेस इनटू डेंसिटी, और डेंसिटी इसने 20 ली है जबकि यहाँ पे गिवन है 22.5। ये एरर है इसमें, जरा कैलकुलेशन करके देखिए क्या बता, कैलकुलेशन सही है उसकी 0.120 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 22.5 8.1 आ रहा है, तो यहाँ पे गलती है इसकी। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या किया है, 22.5 फोर वॉल है, ठीक है, आउटर आउटर में वॉल लगाई है उन्होंने, तो ये इसका गलत है। तो हम क्या करेंगे, एक बार डेंसिटी ये लेके देखेंगे रिजल्ट, और एक बार ये रिजल्ट लेके देखेंगे, ठीक है। अब है लाइव लोड, लाइव लोड इसने 25% लिया है, यानी कि 3 लाइव लोड लगाया उसका 25% लिया है, तो हमें तो 3 लगाना पड़ेगा है ना, 25 तो ऑटोमेटिक ये लेगा, तो हम लाइव लोड लगा देते हैं 3। अच्छा, इसने रूफ पे लगाया नहीं लगाया ये भी देखना पड़ेगा। ये देखिए कह रहा है लाइव लोड ऑन द स्लैब इज 0 रूफ पर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, प्लान पे गया और मैंने ऑल स्टोर किया और सारी स्लैब सेलेक्ट करके 1 स्टोरी किया और फिर सारी स्लैब अनसेलेक्ट कर दी, मतलब ऊपर टॉप की रूफ की। अब नीचे के सारे सिलेक्ट और इन पे मैंने असाइन कर दिया एक लाइव लोड 3। एक डाउन पे जाके देखते हैं सभी पे लग गया नहीं लग गया, पिछली बार गलती हुई थी एक स्लैब पे नहीं लगा था, ठीक है लग चुका। ठीक है, देखिए इसने क्या किया है, एक जो फर्स्ट फ्लोर का लोड होगा वही सेकंड का वही थर्ड का होगा है ना, तो वो जो ऊपर लोड कैलकुलेट किया सबको ऐड कर दिया, और जो लोड 4 है W4 यानी रूफ पे उसमें से लाइव लोड घटा दिया है इसने, और कॉलम का लोड आधा कर दिया है और वॉल का लोड भी। ठीक है, देखिए 243 कौन सा है, देखिए लाइव लोड तो 0 हो गया, 243 कौन सा लोड है देखते हैं ऊपर, 243 कॉलम का ये आधा कर दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस वाले ऊपर वाले में जो कॉलम है वो आधे सेलेक्ट होते हैं, आधे कॉलम का लोड आता है ऊपर वाले पे। ठीक है, ये हो गया, और इसने क्या किया है 648 का भी आधा किया, देखिए क्या है 648, ये है वॉल, यानी कि वॉल जो वहां पे लगाई है उन्होंने 1.5-1.5 मीटर की लगाई है, आधी आधी, समझ गए है ना। तो हम क्या करते हैं, अब दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, या तो हम वॉल बना देते हैं ये हमारे मैसनरी डेंसिटी फाइन है, या फिर हम ये 7.2 लोड लगा देते हैं है ना, तो करके देखते हैं दोनों ही मेथड से। पहले मैं क्या करता हूँ, वॉल लगा देता हूँ, ठीक है, कितने की वॉल है उन्होंने डिफाइन की है, ए वॉल की थिकनेस 120 mm, तो एक डिफाइन कर लेते हैं वॉल, डिफाइन वॉल एड न्यू वॉल 120 mm कंक्रीट मेटिसनरी में मेसनरी और 120। ओके, अब वॉल बनाते हैं यहाँ से हम 120 mm, आउटर आउटर में क्योंकि वॉल है तो इसे ऑल कर देते हैं, ठीक है वॉल लगे। अब देखिए जो हमारा टेरेस पे जो वॉल है हाफ है, तो हाफ लोड लगाने के लिए हमें एक और ग्रिड बनानी होगी, क्योंकि देखो वॉल लगाने का तरीका क्या है कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो नीचे इसके वॉल बनेगी है ना, तो इसके ऊपर अगर कोई ग्रिड होगी उस पर मैं क्लिक करूंगा तभी तो यहाँ वॉल बनेगी है ना, तो मुझे एक 1.5 मीटर की वॉल बनानी पड़ेगी, ग्रिड बनानी पड़ेगी इसके ऊपर, उस पर मैं ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पे तो 1.5 मीटर की वॉल बन जाएगी। तो मैं जाता हूँ एडिट, ठीक है, एक बनाता हूं मैं एडिट स्टोरे मॉडिफाई स्टोरे और एक स्टोरे ऐड करता हूं मैं, ठीक है, जिसकी हाइट डालता हूं 1.5, देखिए बन गई स्टोरे 5 1.5 है ना। अगर मैं इसका एलिवेशन देखूं तो ये बन गई,
लेकिन यहाँ पर हमारे कोई भी बीम कॉलम नहीं है, केवल वॉल है। एक बार इसको डिलीट ही कर देते हैं क्योंकि इसने कॉलम बीम भी बना दी है ना। एक बार क्या करते हैं, प्लान के टॉप पे जाते हैं। हुआ क्या है कि ऊपर एक 1.5 मीटर का स्टोरे बन गया, साथ में कॉलम बीम भी बन गए, तो मुझे वो डिलीट करने होंगे। तो मैंने 1 स्टोरे किया और ये पूरा सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। देखिए अब ठीक है ना, बस अब एक ऊपर वो है आपके ग्रिड, तो अब वॉल बना देता हूँ मैं। ये देखिए अब बन रही है ना पैरापेट वॉल 1.5 मीटर की, इस तरह से बनाना था मैं। ठीक है, तो वॉल लोड हमारा लग गया है, लाइव लोड भी लग चुका है। अब देखिए इसने जो सीज़मिक पैरामीटर वो क्या लिए हैं, जोन 3। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मास डिफाइन करना होता है। तो डिफाइन मास, मास पिछली वाली प्रॉब्लम में सेल्फ वेट नहीं लेना था, लेकिन इस बार सेल्फ वेट भी लेना है। और यहाँ पर भी क्या लेना है हमें, लाइव लोड 25%, डेड लोड पूरा, लाइव लोड 25%। ठीक है, हो गया। ओके, द करंट मास सोर्स इंक्लूडिंग द बोथ एलिमेंट सल्फेट एट लीस्ट 1 लोड पैटर्न, सल्फेट मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0। यस, क्योंकि सल्फेट हमने लिया है तो इसका हमें इसको लेना ही नहीं है हमें, क्योंकि पैटर्न भी ले लिया और सल्फेट भी ले लिया हमने। समझ रहे हो ना आप, ये कंफ्यूज मत होना। देखिए यहाँ पे डेड लोड भी ले लिया और हमने सल्फेट भी लिया, डबल हो गया डेड लोड, है ना। या तो पैटर्न लेते या डेड लोड लेते, एक ही बात है। ओके कर दिया। उसके बाद हमें डिफाइन करना होता है सीज़मिक फोर्स लोड पैटर्न, और यहाँ पे मैंने डाला EQ टाइप सीज़मिक, कोड हमारा 18932002। ऐड किया फिर इसको मॉडिफाई किया, तो ये एक्स डायरेक्शन में चेक कर रहे हैं सिमेट्रिक है, जोन 3 है प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, सॉरी जोन 3 यानी कि 0.6। सॉइल टाइप किस टाइप की है देखें जरा, ट्रायल एलिवेशन कॉलम बीम थिकनेस तो स्ट्रक्चर OMRF फंडामेंटल पीयर मीडियम। सॉरी देखिए यहाँ दिया हुआ है, अगर आपको नहीं देख पाइएगा मीडियम। सॉरी तो सॉइल 2 इम्पोर्टेंस फैक्टर कितना दिया है, इम्पोर्टेंस फैक्टर 1 दिया है मैंने, और रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर 3। इम्पोर्टेंस फैक्टर 1, रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर 3, और ओके कर दिया। बस इतना ही था, अब इसको एनालाइज कर देते हैं। अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ चेक करनी है, एक तो वॉल लोड लगा के देखना है हमें, और डेंसिटी उन्होंने वॉल की अलग ली है, यूज़ की है, और गिवन अलग कुछ और है। 20 यूज़ किए इन्होंने, 22.2 गिवन है। तो ये अभी एनालिसिस हो रहा है, ठीक है। अब इसने इन्होंने मैनुअली किया है, कल की तरह जो प्रॉब्लम थे लोड जो निकले हो क्या निकले हैं, वो ये निकले हैं, फर्स्ट फ्लोर पे इतना, सेकंड पे इतना, थर्ड पे इतना, फोर्थ पे इतना, सीयर फोर्स और लैटरल फोर्स ये इस तरह से। तो हम भी चेक करेंगे, डिस्प्ले में जाते थे हम रिस्पांस, और यहाँ पे हमें करना होता था लैटरल फोर्स, और इसको हम फॉर्मेटेड में कर लेते हैं। तो फर्स्ट आ रहा है वहाँ 34, फर्स्ट फ्लोर पे 34, वेरी गुड। सेकेंड पे 136, 138, फिर 38, 310, 426, 33। ठीक है, देखिए अब देखिए इसमें क्या हुआ है, हमारे रिजल्ट लगभग 99% ठीक आ रहे हैं। ये अभी आप कहेंगे कि फिफ्थ फ्लोर क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ई टैब ने ले लिया, हमने पैरापिट लगाई है और वहाँ पे ग्रिड भी बनाई है हमने, तो इसलिए फिफ्थ फ्लोर उसने ले लिया ये, और उस पर भी फोर्स बता रहा है कैलकुलेट करके। ठीक है, अब ये इतना ले रहा है, अब हम डेंसिटी लेके चलते हैं 22 मैशनरी की। तो मैं डिफाइन मटेरियल जो मैशनरी पहले से है उसको हमें एडिट करना है, पर एडिट होगा नहीं जब तक हम यहाँ पे अनलॉक ना करें इसे। तो
इसे अनलॉक करते हैं और डिफाइन, क्योंकि हमारे देखो डेंसिटी हमने ज़्यादा लिया तो वैल्यू भी ज़्यादा आ रही है लोड की, सेल्फेट ज़्यादा हो गया ना, तो मैच ने डबल क्लिक किया और डेंसिटी लिए हमने 20। ओके दोबारा एनालाइज कर दिया, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे इसने मैसनरी का जो देखिए जो मैसनरी वॉल ली है उसने, उसका जो उसने सल्फेट लिए वो डेंसिटी लिए 22.5 यहाँ गिवन है, तो मैंने भी यही डिफाइन की थी, बट उसने यहाँ पे कैलकुलेशन में कितनी लिए 20, क्योंकि फॉर्मूला होता है लिवेट निकालने का, थिकनेस इंटू हाइट इंटू डेंसिटी, डेंसिटी 20 लिए, तो जब हमने 22 पॉइंट लिया ही टाइम में तो वैल्यू थोड़ी ज़्यादा आ रही है रिजल्ट से। अब 20 लेके देखते हैं कितना आता है, 33.5, 138, 134 आ रहा है, 310, 31, और 438, 4 अलग आ रहा है ना, तो इन्होंने डेंसिटी जो यूज किया 22.5 लेके ही की है। तो डिफाइन मटेरियल मॉडिफाई 22.5, और अब और क्या चीज हो सकती है थोड़ा बहुत हम रिजल्ट अलग आ रहा है, थोड़ा बहुत आता है अलग, लेकिन फिर भी कोई और चीज जो हमने ना ली हो सही से देख लेते हैं। R3 लिया, इन्होंने टाइम पीरियड निकाला है, हम टाइम पीरियड डाल देते हैं, इसमें डाल के देखते हैं कितना टाइम पीरियड भी हम डाल सकते हैं, मैनुअली निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड इनका है 0.2277, ठीक है, ये डाल के देखते हैं तब क्या आता है। अनलॉक किया मैंने, डिफाइन लोड बिल्डिंग का टाइम पीरियड, इसको मॉडिफाई करेंगे हम लेटर लोड को, यहाँ पे टाइम डाल देते हैं 0.2277, ये प्रोग्राम खुद ही कैलकुलेट करता है और यहाँ पे हमने मैनुअली डाल दिया है। अब एनालिसिस करके फिर रिजल्ट चेक करते हैं, और कुछ चेक कर लेते हैं, और कुछ छूट रहा हो तो। इसने जो लिया है वॉल का हाफ लिया है रूफ पे, इसको देखते हैं एक बार, 1.5 मीटर ही हो गया हाफ तो, चलिए देखते हैं 34, 136, 34, 138 है और 310, 38 है, 447, 446 है। अब यहाँ क्या गलती हो सकती है, वैसे तो इतना तो डिफरेंस आता है लेकिन फिर भी चेक करते हैं। इन्होंने कहीं कैलकुलेशन में तो गलती नहीं की, कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं एक बार इनकी, कई बार मैंने कुछ प्रॉब्लम्स में देखा है कैलकुलेशन में गलती होती है और हम दिमाग लगा देते हैं। 1898 प्लस 380 प्लस 450 प्लस 243 प्लस 648 1369, ये भी ठीक है। लाइव लॉर्ड उन्होंने 0 लिया है रूप पे, 243 का हाफ लिया है, 450 और 680 का तो हाफ लिया है, टोटल सीजनिंग वेट इतना हो गया, टाइम पीरियड उन्होंने इतना लिया है, हमने भी इतना लिया है, सॉइल मीडियम लिया है, रेशियर इतना लिया। एक बार शेयर फोर्स हम चेक कर लें, ये जो शेयर आ रहा है यहाँ पे देखिए इसको कैसे चेक करते हैं, स्टोरेज शेयर ड्यू टू सीजमिक, इसकी वैल्यू देख लेते हैं हर स्टोरे पे कितना आ रहा है, तो हमारे फर्स्ट स्टोरे पे आ रहा है 960 और इनका कितना आ रहा है 910, फिर 875, 79, लगभग कितने परसेंट आ रहा है ये 910 और 960, हमारा रिजल्ट सही आ रहा है। और कहाँ गलती हो सकती है, देखिए एक चीज हो सकती है मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने जो कैलकुलेशन की है वो लोड लेके की है कैलकुलेशन, और यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है उसमें एक चीज है जो फोर्स को रेसिस्ट कर रहा है, वो है आपका वॉल का डायाफ्राम,
जब लैटरल फोर्स लगेगा तो उसको बॉल तो रोकेगी, रेसिस्ट करेगी बॉल, है ना, फिजिकली, और लो बॉल का लोड भी लग रहा है, तो इसलिए ये लो अंतर आ सकता है। लेकिन अगर हम लो बॉल की जगह पे लोड लगा के देखें, देखिए रिजल्ट क्या आते हैं। तो मैंने क्या किया, सेलेक्ट पे लॉक खोला, सेलेक्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे सेलेक्ट की मैंने बॉल और डिलीट कर दी। और अब हम लोड लगाएंगे जो लोड गिवन है वॉल का। वॉल का जो गिवन है लोड वो है आपका 7.2 इन्होंने लगाया है, और 7.2 का हाफ लगाया रूट पे। तो देखिए डेड लोड के अंदर, तो मैंने क्या किया, प्लान पे गया मैं और मैंने ऑल स्टोरी करके आउटर बीम सिलेक्ट कर लिए। आउटर बीम सिलेक्ट हो गए, ठीक है। फिर वन स्टोरी किया और ये आउटर बीम डी सिलेक्ट कर दिए। इससे क्या हुआ, नीचे के सारे बीम सिलेक्ट हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं असाइन कर देता हूँ फ्रेम लोड डिस्ट्रीब्यूटेड डेड लोड के अंदर कितना, 7.2। इसी से उन्होंने कैलकुलेशन किया, ये लगा दिया। और अब जो टॉप पे है, टॉप पे मैं लगाता हूँ 7.2 का हाफ, वन स्टोरी किया मैंने, डाउन पे गया और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया बीम, आउटर बीम। थ्री में देखिए आउटर बीम सेलेक्ट हो गए। अब असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रीब्यूट डेड लोड 7.2 का हाफ, देखिए कितना अच्छा इसमें टाइम में दिया हुआ है, यहीं पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है 3.6, ये लग गया। ठीक, अब एनालाइज करके अब रिजल्ट मैच करके देखते हैं, क्योंकि सीधा बॉल बना देना अलग चीज है और बॉल का केवल लोड लगाना अलग चीज है। इसी तरह स्लैब से भी डिफरेंट डिफरेंस आता है, स्लैब से भी इसमें स्लैब बनाना और स्लैब का लोड एज्यूम करना दोनों अलग चीज, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। डिस्प्ले स्टोरेज, सबसे पहले लैटरल फोर्स 28, 112, 252, ये तो और कम चला गया। तो हमने कहाँ गलती की है, क्योंकि यहाँ पे लोड जो दिया गिवन है वो 7.2 ही है, और हमने जो लोड लगाया एक बार शो कर लेते हैं, देखिए 7.2 लगाया आउटर बीम्स पे, 7.2 7.2 7.2 पर मीटर है, और ऊपर 3.6 लगा दिया है। ओके, इसमें एक गलती हुई होगी, देखिए जब हमने मास डिफाइन किया है तो उसमें सेल्फ वेट लिया हमने मास में, है ना, ये हटा के अब इसमें हम डेड लोड ले लेते हैं, क्योंकि डेड लोड के अंदर एक अलग से एक्सटर्नल फोर्स भी लगा दिया ना हमने, समझ गए ना। पहले उसमें क्या था, ये बीम का सेल्फ वेट लेयर था, उसके ऊपर जो एक्सटर्नल लोड लगा डेड लोड के अंदर वही लेयर था, हमने पैटर्न ही ले लिया। अब इतना हो सके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ना समझ में आए तो फिर मैं और देखूँ। देखिए 34 34, 138 139, 310 312 426 436, देखिए इतना तो रिजल्ट मैच हो चुका है। ठीक है, और अभी हम स्टोरी और देख लेते हैं, स्टोरी शेयर अर्थक्वेक की वजह से वाई क्यों लोड सेट किया हमने।
एरर क्रिएटिंग फ्लॉट, पता नहीं क्या एरर आ रहा है, अभी तो ये दिखा रहा था, दोबारा से चले जाते हैं। शेयर अर्थक्वेक, एक बार अनलॉक करके फिर एनालाइज कर देते हैं इसे। सॉफ्टवेयर में कब क्या एरर आ जाए आप कह नहीं सकते, अभी थोड़ी देर पहले हमने शेयर चेक किया था और अब ये प्लॉटिंग में एरर दिखा रहा है। जब हम बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारा डाटा और हमारा सॉफ्टवेयर भी ओके, शेयर नहीं दिखा पा रहा, लेकिन पहले आपको दिखाया था कि शेयर लगभग उतना ही आ रहा था, 34 130 ठीक आ रहा है। तो क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बैठा हूँ इसे करने से, और थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन लगभग 99% रिजल्ट आ चुके हैं हमारे। तो सीज़मिक एनालिसिस ऐसे ही होता है। तो थैंक यू इस वीडियो के लिए, अगर समझ में आए, आपकी हेल्प हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और शेयर करें। थैंक यू।